गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, ऊन का चल रहा है। ऊन के बारे में मैंने बताया था कि ऊन क्या होती है और ये हमें कहाँ से मिलती है, यानी इसके जो प्राप्ति के साधन वो कौन कौन से हैं। तो बताया था कि ये कौन किससे मिलती है, कई तरह के, जैसे भेड़ से, ऊन से, खरगोश से, इनसे क्या है ये ऊन प्राप्त होती है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं ऊनी रेशों का वर्गीकरण की। पहले भी बताया था कि ऊनी रेशों का जो वर्गीकरण है, ऊन जो हमें प्राप्त होती है वो 40 प्रकार की भिन्न भिन्न नस्लों की जो भेड़े हैं या और भी कई उनसे प्राप्त होती है। तो उसमें क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, ऊन की जो किस्म है वो किस पे डिपेंड करती है, उनका जो वर्गीकरण है वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी किस्म पर, उनकी जो उनको एनवायरमेंट जैसा मिलता है, भेड़ों को जैसे जो एनवायरमेंट मिलता है जलवायु का या उनके खान पान का, ये सारी चीजें क्या है उनकी किस्म निर्धारित करती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऊनी रेशों का वर्गीकरण। ऊनी रेशों का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहले करते हैं मेमने की ऊन, यानी जो भेड़ का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं, उसको मेमना बोलते हैं। तो आठ माह के बच्चे, भेड़ के बच्चे की पीठ पर, यानी आठ माह का जब बच्चा होता है, भेड़ का बच्चा मेमना जाती है। और ये क्या है, पूर्णतः
नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पहली बात उतारने की वजह से क्या कहते हैं इसको, कुंवारी या वर्जित ऊन कहलाती है। अब बात करते हैं अगली, खिंची हुई ऊन की बात करते हैं। खिंची हुई ऊन यानी जो भेड़े क्या है मर जाती है, जिनको खाने के मांस की प्राप्ति के लिए पाला जाता है, तो क्या है उनसे जो ऊन प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, खिंची हुई ऊन। यानी मांस को उसका खाने के काम में ले लेते हैं, बाकी क्या है जब उसको मार देते हैं तो उसके क्या शरीर से ऊन को निकाल लेते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, खिंची हुई ऊन कहते हैं। इसके लिए उसके शरीर पर क्या करते हैं, चूना या फिर कोई भी केमिकल है उससे क्या है, उससे इसको शरीर पर लगाया जाता है। ऐसा करने से ऊन क्या थोड़ी सी ढीली हो जाती है और वो शीघ्रता से खिंच जाती है। परंतु जो ये ऊन होती है वो क्या है, इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, निम्न क्वालिटी की होती है। क्या वजह है, क्योंकि उसको मारने के बाद इसकी ऊन खींची जाती है, इसलिए इसकी जो श्रेणी है ऊन की वो क्या है, निम्न कोटि की होती है। किया जाता है।
पहली बार जो ऊन निकाली जाती है वो क्या कहलाती है? वेदर ऊन कहलाती है। और इसके काटने के पश्चात दूसरी बार काट, यानी इसमें क्या था, जो पहली बार ऊन काट ली 14 माह के बाद में, जब दूसरी बार ऊन काटी जाती है उसके शरीर से वो क्या कहलाती है? दूसरी बार जब ऊन काटी जाती है, काटते हैं उसको, तो वो क्या कहलाती है? वेदर ऊन कहलाती है। एक पहली बार काटा उसको 14 माह पे, दूसरी बार जब वो काटते हैं तो वो क्या कहलाती है? वेदर ऊन कहलाती है। तो ये थे हमारे ऊन का वर्गीकरण, ऊनी रेशो का वर्गीकरण था, जिसमें हमने सबसे पहले किया था मेमने की ऊन, यानी क्या है, जो भेड़ का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? मेमना कहलाता है। उससे जो ऊन प्राप्त होती है वो क्या होती है? अच्छी क्वालिटी की होती है, पर मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है और क्या है, चमकदार भी होती है। लेकिन वो क्या होती है, इनमैच्योर होने की वजह से क्या है, वो मजबूती नहीं होती उसके रेशे में। फिर बात की थी हमने होगेट ऊन की। होगेट में क्या बताया था, 12 से 14 माह का क्या है, भेड़ का बच्चा होता है, उसके शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? होगेट ऊन कहलाती है। ये ऊन भी क्या होती है, मजबूत होती है, सॉफ्ट होती है और चमकदार भी होती है। अब बात की थी, फिर हमने की थी कुंवारी या वर्जिन ऊन, जो पहली बार काटी जाती है वो क्या कहलाती है? कुंवारी या वर्जिन ऊन कहलाती है। फिर बात की थी खींची हुई ऊन की। खींची हुई ऊन कौन सी बताई थी? जो भेड़े खाने के पर्पज से, जिनको काटा जाता है मांस के लिए, जिनको काटा जाता है उसके शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है, यानी उसके बाद में क्या है, उस पर कुछ रासायनिक केमिकल वगैरह लगाकर क्या है, उससे ऊन खींची जाती है। फिर बात की थी कोटी ऊन, जिससे क्या है, कोटी ऊन क्या, निम्न कोटी के जो क्या है, इससे वस्त्र बनते हैं, इससे नमदा वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके रेशे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। फिर से टैगलोक ऊन, टैगलोक ऊन में बताया था कि क्या है, निम्नतम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ये वाली ऊन, और क्या है, छोटे छोटी होती है, इससे ये इसको क्या है, इसका एक रीजन और क्या बताया था टैगलोक ऊन का, ये क्या है, बदरंग वाली होती है, रंग इसके अच्छे नहीं होते, इसी वजह से इसको टैगलोक ऊन कहते हैं। फिर थी मृत ऊन, जैसे नाम से बताया था, मृत ऊन कौन सी थी, जो भेड़े मर जाती हैं, आकस्मिक मर जाती हैं या अस्वस्थ होने की वजह से मर जाती है, वो क्या कहलाती है, मृत ऊन कहलाती है। फिर थी काली ऊन, काली ऊन किस लिए यूज की गई थी, जो कालीन वगैरह बना, जो ऊने ऊन होती है वो क्या है, कड़ी रुश खुरदरी होती है, उनसे क्या है, कालीन बनाई जाती है। फिर थी वेदर ऊन, वेदर ऊन क्या बताई थी, 14 माह के पहली बार जब उसके बाल काटे जाते हैं, उसके बाद जब दूसरी बार जब ऊन काटी जाती है तो वो क्या कहलाती है, दूसरी बार काटे जाने वाली ऊन को क्या है, वेदर ऊन कहते हैं। तो ये था हमारा ऊनी रेशों का वर्गीकरण।